अगर युवा पीढ़ी इसी तरह भारतीय शास्त्रीय संगीत से दूर रही तो वो दिन दूर नहीं जब हमें भारतीय संगीत को सीखने के लिए विदेश जाना पड़ेगा। ये भी बहुत दुखद है कि आज की युवा पीढ़ी भारतीय संगीत को इंटरनेट पर सर्च नहीं कर रही है। और ये कहना है विश्व संगीत दिवस समारोह की प्री इवेंट सीरीज के तहत हुए टॉक शो में सात्विक वीणा वादक पंडित सलील भट्ट का। लीडिंग नोट म्यूजिक अकेडमी और मालवीय कॉन्वेंट स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित टॉक शो में ग्रेमी अवार्ड विजेता पंडित विश्वमोहन भट्ट भी उपस्थित रहे। शो के मॉडरेट कर रहे एकेडमी डायरेक्टर पवन गोस्वामी और सुषमा मेहता ने विश्व संगीत को लेकर सलील भट्ट के नजरिए से श्रोताओं का परिचय कराया। शो में मौजूद श्रोताओं के सवालों के जवाब सलील भट्ट ने दिए। उन्होंने अपनी संगीत यात्रा के साथ बतौर छात्र पिता के साथ रहे अनुभवों को भी साझा किया। सेना में चयन होने पर भी संगीत के प्रति लगाव ने उन्हें कलाकार बनने के लिए प्रेरित किया। सलील ने बताया कि वो 42 देशों में संगीत की प्रस्तुतियां भी दे चुके हैं और वहां के लोगों में हमारे संगीत के प्रति प्रेम देखकर बहुत ही खुशी होती है। हमारा जो हमारे परिवार का उद्देश्य है वो देश प्रेम और देश सेवा है। यहाँ भी आप एक कल्चरल एम्बेसडर, एक कल्चरल सोल्जर की तरह, संस्कारों की सिपाही की तरह आप समाज को एक अलग रक्षा करते हैं, उसकी समाज के मूल्यों की वो भी उतनी आवश्यक है। तो मैंने कहा देश सेवा ही एक हमारा मूल उद्देश्य है हमारे परिवार का।